वेलकम टू माय चैनल सो गैस जैसा कि आप देख रहे हैं आज का मार्केट जो भी आज जैसे भी आप लोग ट्रेड किए हो आई बिलीव पॉजिटिव ट्रेड हुआ होगा आप लोग का इन देंस लाइक थैला हरा होगा सो कमिंग टू द पॉइंट हम लोग का आज का ट्रेड हम मैंने कहाँ लिया कहाँ नहीं लिया वो भी बात कर लेंगे एंड ऑफ दिस वीडियो एंड गैप अप ओपन होगा या नहीं होगा सो so, वो भी बात कर लेंगे हम लोग बट एंड ऑफ दिस वीडियो दिस तो वीडियो इज़ फॉर एनालिसिस फॉर टुमारो ये कल के लिए एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं कि कल मॉर्निंग गैप अप होगा या गैप डाउन होगा सो लेट्स सी सो ये मिनट्स का टाइम फ्रेम है गाइस जैसे कि आप देख रहे हैं ये जो मैंने ड्रा किया है ये अभी का नहीं है ये मॉर्निंग का ही जो मैं मॉर्निंग ट्रेड अपना ले रहा था या फिर टेलीग्राम आप शेयर कर रहा था ये तब के है लेवल्स सो so, अगर हम लोग देखते हैं कि फिन सॉरी ये बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी की हम लोग कर रहे हैं अगर यहाँ पर हम लोग बैंक निफ्टी देखते हैं तो गाइज यहाँ पर एक अगर यहाँ से मार्केट टूटता है ये तो एक अच्छा है कि चलो मार्केट यहाँ पर जाके अपना क्लोज हो गया देख रहे यहाँ पर एक अच्छा सा एक स्टॉपलेस सबका यहाँ पर है आ, बायर्स का भी है सेलर्स का भी है अगर आप अगर आप कल हम लोग बाई चांस अगर मार्केट देखिए मैं नहीं बोल रहा हूँ अभी मैं कुछ डिस्कस नहीं बट हम लोग ये कल के एनालिसिस पे ये डिस्कस अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है अगर मान लीजिए यहाँ पर ओपन होता है एंड कुछ देर कॉन्सल्ट्रेट करता है यहाँ पर कुछ देर यहाँ कॉन्सल्ट्रेट करने के बाद एक अच्छा अप मूव भी देता है

सो मार्केट आज हम लोग क्लोज हुआ है फोर थाउजेंड फोर्टी थ्री थाउजेंड फाइव में अगर देखिए अगर कल मार्केट है इसमें ठीक है अगर चलिए हम लोग कल मार्केट टूटता है सो so, मार्केट अगर टूटेगा तो डेफिनेटली uh, ये लेवल है ये लेवल रहेगा ये लेवल हम लोग रहेगा फोर्टी थ्री थाउजेंड फोर हंड्रेड एट्टी ठीक है अगर इनकेस ये भी टूट जाता है सो फिर एक uh, एक बड़ा लेवल आएगा और ये होगा थ्री हंड्रेड का फोर्टी थ्री थ्री हंड्रेड का रहेगा ठीक है और आई बिलीव इसे नीचे नहीं जाएगा अगर इसे नीचे गया तो मार्केट बहुत डेंजर uh, जोन में रहेगा क्योंकि हम लोग अच्छा नवंबर का दिन शॉर्ट कवरिंग कर रहे हैं सो so फिर से हम लोग एक बहुत बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी सो uh, okay. uh, so ये रहा हमारा बैंक निफ्टी मैं इसके ऊपर ज़्यादा नहीं बोलूँगा बिकॉज uh, मैं फी निफ्टी वगैरह भी कवर करूंगा सो कल हमारा फी निफ्टी कवरिंग है फी निफ्टी का एक्सपायरी सो मैं उसको भी कवर करूंगा आज के इस वीडियो में, ओके तो मुझे लग रहा है कि हम लोग एक अच्छा रहेगा अगर मैं गैस आपको और एक बता दूँ कि हम लोग एक और अगर मैं सपोर्ट की बात करूं तो एक अच्छा सा सपोर्ट हम लोग यहाँ भी और, यह और देख सकते हैं ठीक है यहाँ भी बन रहा है गाइस सो चांसेस जा रहा है यही है कि यहाँ से मार्केट रिवर्स कर जाएगा ठीक है देखिए मैं बोल रहा हूँ दैट मीन्स आप लोग इस पर फुल डिपेंड मत होइएगा ये मेरा एनालिसिस है फॉर टुमारो एनालिसिस आप भी करोगे कभी आपके प्रोडक्ट गलत हो सकता सो आई एम सेइंग आप लोग मत कर जाइएगा क्योंकि मैं एनालिसिस अगर देता हूं तो लोग मुझे डायरेक्टली मैसेज और ए टी सी सोशल मीडिया के थ्रू मुझे टैग बोलते हैं सर मैंने आपने अपने रिवर्सल बोला था तो अभी तक रिवर्सल किया नहीं मैं ट्रेड लेकर बैठा हूं तो आप लोग बेहतर समझ सकते हैं ठीक है याद रखिएगा ये आपका रहेगा फोर्टी थ्री हंड्रेड फोर्टी थ्री थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड फोर्टी थ्री थाउजेंड के आसपास ये दो सपोर्ट है ठीक है इससे अगर मार्केट नीचे जाता तो बहुत टूट जाएगा मार्केट आ, बट कल इतना नहीं आई थिंक इतना नहीं टूटना चाहिए मार्केट को ठीक है सो so, अगर हम लोग चलिए बात करते हैं निफ्टी फिफ्टी की निफ्री फिफ्टी की देखिए ये ये ड्रा मॉर्निंग की है मॉर्निंग में यही जोन में रहा मार्केट ठीक है काफी लोगों ने ट्रेड किया काफी लोगों ने लॉस किया जस्ट बिकॉज मार्केट बहुत एक ज्यादा मोमेंटम नहीं दे रहा था ठीक है एक अच्छा कंसलटेशन कर रहा था यहाँ पर एक वन साइड साइड मूव के अगर हम लोग इसकी बात करते हैं फिफ्टी मिनट टाइम फ्रेम में अगर हम लोग इसको भी देखते हैं तो मैं बता दूं कि ये एक सपोर्ट जोन हम लोग का कल के दिन एक सपोर्ट जोन यहाँ रहेगा ठीक है आ, कल के दिन एक सपोर्ट जोन हम लोग का यहाँ रहेगा नाइनटीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड सिक्स जोन रहेगा ठीक है गाई? 19,600 एक सपोर्ट रहेगा तो आज के जो क्लोजिंग दिया है 19,693 ठीक है अगर मार्केट यहाँ से और भी टूटता है कि अगर और भी इनकेस टूट जाता है सो so, ये रहा यहाँ पर आ जाएगा 19,490 लाइक like, 19,500 uh, आ जाएगा ये आप एक मान के चलिए ठीक है अगर अपसाइड के साथ चलता है गाइस अपसाइड के हम लोग ट्रेड हम लोग सी ई साइड तभी लेंगे जब हम लोग को क्रॉस करेगा नाइनटीन थाउजेंड एट हंड्रेड अगर नाइनटीन थाउजेंड एट हंड्रेड क्रॉस करेगा तो डेफिनेटली आई विल गो सी साइड के बट इट विल बी रिस्की कल का ट्रेड मैं आपको बता दूंगा इस थोड़ा सा रिस्क रहेगा ठीक है so सो आप लोग बहुत बड़े बड़ा ट्रेड मत करिएगा अपना रिस्क मैनेजमेंट के साथ अपना ट्रेड करिएगा और अगर इसके ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है ये हमारा ये ओके ये हमारा एट हंड्रेड अगर ये एट फिफ्टी के ऊपर सस्टेन कर जाता है दैट्स दैट्स दैट बी ओके तो बहुत अच्छा रहेगा तो ये हमारा मिनट का टाइम मैं uh, 50 -50 के से आप लोगों को बता दिया कि मैं यहाँ पर चलिए ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ आप लोगोंटली पॉइंट सो ये गज यू कैन सी ही निफ्टी का एक्सपायरी है कल एंड हम लोग इसके ऊपर फोकस ज़्यादा कर रहे हैं एंड आप देख सकते हैं ये ट्रेड कैसे चल रहा है में सो so, अगर फ्लैट मोमेंट होता है कल फ्लैट मार्केट uh, ओपन होता है तो ये लेवल रहेगा हम लोगों का आप पोजिशन समझ सकते हैं क्या होगा इसके ऊपर पी साइड इसके ऊपर सी साइड ठीक है और एग्रेसिव सी साइड आपको बाइंग नहीं करना है। अगर मार्केट इसके ऊपर जाता है हम लोगों को नाइनटीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड वी विल गो वेरी एग्रेसिव एग्रेसिव हम लोग जा सकते हैं सी साइड की बट अगर इसके बीच मार्केट ओपन होता है गौर से सुनिएगा अगर इसके बीच मार्केट ओपन होता है अगर ये कुछ देर कॉन्सेंट्रेट किया और एक रैली देगा जिस साइड भी वो तो अगर ऊपर फटा तो यू नो वेरी वेल वॉट टू टेक अगर नीचे गया सो यू नो वॉट वेरी वेल सो शॉर्ट कवरिंग होगा अगर ऊपर हुआ तो नीचे हुआ तो शॉर्ट होगा ठीक है यह मैं बोल रहा हूँ फिफ्टीन मिनट्स अगर फिफ्टीन मिनट्स अगर हम आ जाते हैं अगर इसको भी कर देता है ब्रेक दिस इज द मोमेंट हम फिर हम लोग का रहेगा ठीक है ये हम लोग का रहेगा नाइनटीन थाउजेंड थ्री हंड्रेड फिफ्टी नीचे का लेवल I think ये कल ब्रेक नहीं करेगा I think, oh, not break this. But, uh, bearish दिखा रहा इंटर डे में बट फॉर होल्डिंग आप लोग uh, पी साइड मत लीजिएगा होल्ड मत करिएगा ये सिर्फ एवरी डे जो ट्रेड करते हैं इंटर डे है, लिए है। तो, क्योंकि मैं आपको बोल दूँ कि होल्डिंग वाले भी अगर पी ले लिए और रोज़ करते हैं और होल्डिंग वो जो आज बाई के हैं दो चार दिन पाँच दिन के बाद सेल करते हैं so, उनके लिए तो so, बेरिश मोमेंट दिखा रहा है ऐसे एंड कल का मार्केट अगर ओपन हुआ मैं आपको पहले बता दूं अगर साइडवेज ओपन होता है अगर that means, 20, 30 points होता है सो देट मीन अगर ये होता है तो आप एक अच्छा कंसनड्रेट का मोमेंट करेंगे कंसनड्रेट अगर होता है तो अच्छा मोमेंट मिल सकता है मोमेंटम मिलेगा हम लोग ट्रेड करने के लिए अगर कंसनड्रेट नहीं होता है और बिग गैप अप बिग गैप डाउन हुआ तो आपको पता है आपको ट्रेड नहीं लेना है ऑन स्पॉट कुछ वेट करना है क्योंकि मार्केट बहुत तो साइडवेज चलेगा एंड साइड वेज गया नाइन्टी चांस परसेंट चांस अगर बिग गैप अप अप बिग गैप एंड हुआ तो इसलिए उसमें ट्रेड नहीं करते क्योंकि ट्रेड करने से उसमें क्या आप अपने कैपिटल सिर्फ खोएंगे और कुछ नहीं अगर मोमेंटम इसके ऊपर अगर अगर गैप अप लेता है या फिर ओपन करता है 80 पॉइंट्स 90 पॉइंट देन डेफिनेटली वी विल सी दिस कंडीशन एंड यहाँ पर हम लोग कल्ट्रेड कर करेंगे ठीक है 19,600 के ऊपर अगर रहता है तो हम लोग एक अच्छा और अगर कैंडल स्टे कर गया यहाँ पर 650 के ऊपर तो डेफिनेटली इट विल बी गुड साइन और हम लोग एक अच्छा मोमेंटम कैप्चर कर सकते हैं ट निफ्टी का एक्सपायरी है सो चलिए डे अगर डे फ्रेम में हम लोग देखते हैं वनडे के फ्रेम में तो यहाँ पर देखिए साइडवेज चल रहा है मार्केट ठीक है इसलिए मैं बोल रहा हूँ ठीक है क्लोजिंग अगर कल यहाँ अगर क्लोजिंग होता है यहाँ क्लोजिंग हो जाएगा एट वुड बी वाओ सिक्स फिफ्टी जो बोल रहा हूँ मैं ठीक है ऐसे तो ही ग्लोबल मार्केट की हम बात करें तो ग्लोबल मार्केट अब देख सकते हैं डॉ जॉन्स यहाँ पर एक अच्छा आपको दिखाता होगा पहली पुलिस साइड लेकिन है की पुलिस है हो रहा है गिफ्ट निफ्टी का अगर बात करें तो ये देखिए यहाँ पर नाइनटीन थाउजेंड सेवन हंड्रेड सिक्सटी है सो एक मोमेंटम दिखा रहा है एक साइडवेज का ठीक है साइडवेज का मोमेंटम ग्लोबल मार्केट में शो हो रहा है सो इसके मुताबिक अगर हम लोग चलते हैं तो दैट्स वाईम सेलिंग साइड साइडवेज हो सकता है गैप अप गैप डाउन की बात करें तो डेफिनेटली इट वुड बी साइडवेज ओपन होगा मार्केट मेरे प्रडिक्शन ईयर और डाउन uh, साइड की साइड ट्रेड हम लोग मिल सकता है ठीक है और गैप अप हुआ तो ज़्यादा बड़ा गैप अप नहीं होगा आई थिंक साइडवेज या फिर गैप डाउन ही का चांस है ज़्यादा बड़ा गैप अप का चांस नहीं है अभी सो so, आज के एनालिसिस में समाप्त करते हैं थैंक यू गाइज आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं प्लीज़ सपोर्ट मी आई एम वेरी न्यू इन यूट्यूब सो गाइज प्लीज सपोर्ट मी बट आई हैव एक्सपीरियंस इन ट्रेडिंग बट यूट्यूब में मैं नया हूँ सो प्लीज़ गाइज सपोर्ट मी हु इज बिगनर डेफिनेटली वॉच माई वीडियो इट विल वेरी हेल्पफुल फुल टू यू क्योंकि मैं शॉर्ट कवरिंग शॉर्ट्स ये सब मैं टर्म यूज़ नहीं कर रहा हूँ ये एक्चुअली प्रोफेशनल मैं नहीं यूज़ कर रहा हूँ वाई बिकॉज बिगनर्स को सीई ज़्यादा समझ में आता है so सो इसलिए मैं इसका यूज ज्यादा करता हूँ और आप लोग डिस्क्रिप्शन से प्लीज टेलीग्राम पे ज्वाइन करें ज्वाइन करके आप देख सकते हैं मेरा एनालिसिस वहाँ पर सब तो वहाँ खुला रहता है आप लोग जाके देख सकते हैं यू कैन जज मी आल्सो एंड इफ़ यू नीड एनीथिंग प्लीज लेट मी नो गाइस इन कमेंट सेक्शन एंड डेफिनेटली आई विल डू समथिंग फॉर यू गाइस Okay, keep supporting. Thank you all. Bye bye.